तलीमीदारन जी सूह मुल्क में सुठी सियासत लाए नर्सरी समझी वेंदड़ शागिर्द यूनियन के पाबंदी के 32 साल मुकम्मिल थी विया पर जमहूरियत जो चैंपियन सदाईंदड़ जमायतू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के बावजूद शागिर्द यूनियन ते जनरल ज़ियाउल हक के दौर में विधल पाबंदी अञा ताईं खत्म न थी आए। नतीजे तौर यूनिवर्सिटी के अंदर शागिर्दन की दिलचस्पी और शागिर्दन की शिरकत वारो फुकदान अञा ताईं कायम है। शागिर्द यूनियन ते विधल पाबंदी के तारीखी हवाले से ठो वे तो 80 वाले दहाके में पेशावर यूनिवर्सिटी अंदर शागिर्द यूनियन की चूंडन दौरान शागिर्दन के बिन ग्रुपन के विच में झेड़ो थो हो जैमें अताला नाले एक शागिर्द के कतल का उन वक्त के आमिर जनरल ज़िया अप्रैल 1983 में शागिर्द यूनियन से पाबंदी लगा छी हुई और एक साल का 9 फरवरी 1984 सजे मुल्क में शागिर्द यूनियन से पाबंदी विधी वही पाबंदी 31 साल गुजरी वन बावजूद अञा ताईं बरकरार है। इन वक्त मुल्क अंदर 200 के लगभग सरकारी तौर गैर सरकारी यूनिवर्सिटियों आला तालीमी इदारन में हुकूमत तरफा शागिर्द यूनियन से पाबंदी होने सबब इलाकई कबीलाई नस्ली मजहबी सियासी पार्टियों के शागिर्द ग्रुपन की भरमार है जैं सबब बेहतर तलीम बेहतर सियासत वाली चवणी से अमल थे बजाय इन शागिर्द तंजीमन पैं तलीमी इदारन की तबाही मचा छी है और उन्हें शागिर्द ग्रुपन में दाखिलाओं में सीटों की कोटा हॉस्टल में कमरन की कोटा क्लास रूम में कुर्सियों बसों में सीटों की कोटा का वेंदे पार्टियों जहा प्रोग्राम कराण टूअर हण तोड़े सियासी पार्टियों के सरबराह के सालग्रहन और वर्षन के मौक बसों की कोटा मुकर कर इंतजामिया शागिर्द विच में रोज रोज जहा झगड़ा मामूल बनल इन यूनिवर्सिटी में पढ़ंदड़ शागिर्दन जो चवण है तो यूनिवर्सिटी में शागिर्द यूनियन जो बहाल थियण निहायत जरूरी है जैसा मस्बत सरगर्मियों की हथी मिली और कामोर शाही की एक हटी और इदारन में बाहरन कुवतन की यलगार के बंजो इंदो। एक सर्वे दौरान मालूम थो है तो मुल्क के 68 साल की तारीख में शागिर्द यूनियन से लगल पाबंदी का अग 37 साल में झेड़न दौरान सिर्फ 50 शागिर्द कतल थे हुआ जदन शागिर्द यूनियन के पाबंदी का जनरल ज़िया के मशीनरी जरिए पैदा कल नस्ली इलाकई मजहबी और ग्रोही पार्टियों के शागिर्द तंजीमों विच में झेड़न के नतीजे में 32 साल दौरान 480 का शागिर्द कतल थी चुका है जिनमें सिर्फ जामशोरे के टिन यूनिवर्सिटियों यानी सिंध यूनिवर्सिटी मेहरान यूनिवर्सिटी और लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी अंदर 5 उस्ताद बिन आफिसर एक मुलाजम का सवाय 32 शागिर्दन जो कत्ल पिण शामिल है। शागिर्द यूनियन से अणजायल मुद्दे ताईं विधल पाबंदी के खत्म करने जो मुतालबो वक्त ब वक्त थींदो रहयो आहे पर वक्त के हुक्मरानन उन तरफ को भी ध्यान न दिनो आहे। शागिर्द यूनियन से पाबंदी हुजण सबब तलीमी इदारन बाबत कयल फैसलन में शागिर्दन की नुमाइंदगी और शिरकत न रही है जैं सबब ज़रे घट हर बुनियादी फैसले से हर दौर में शागिर्दन और इंतजामिया में इख्तिलाफ तजाद रो है जैं कर भी यूनिवर्सिटियों हफ्तन जा हफ्ता और महीन जहा पांद बंद रही आयोन अड़ी सूरत हाल के खत्म करने ला यूनिवर्सिटियों के शागिर्दन मुतालबो किया है तो मुल्क के अला तलीमी इदारन में शागिर्द यूनियन बहाल कई वन पानी का मसलो है पानी के मसले से फॉरेनर को एहतजाज कन था इदारों अचन मुशन में अचन था उन सगालू कन था तो अच्छा मसलो है बगैर कें वर्दी जो अचन था हथियार फिटो कर गालू कन था पर उन जगह तो सगो पानी मसलो इतना शागिर्द मकाम में अचन था उन्होंने मुकम्मल लाठीचार्ज कई थे आसू गैसिंग टीयरिंग गैसिंग फायरिंग कई थे यो कड़ो दुनिया का कानून है जगह तक पॉलिटिक्स से पाबंद लगानी है तो पॉलिटिकल साइंस जो डिपार्टमेंट है उनके ऑफ कर बंद कर बस उनके खत्म कर मुकम्मल तौर से पॉलिटिक्स के इनकार है खत्म कर डिपार्टमेंट के तलीम के तबाह कर बस खत्म कर कोपरेट नो कह जैसे असं अज इतने आयासी काफी दोस्त पानी शिकायतों खी तो इतने असें वीसी जो है या प्लस में रजिस्ट्रार जी भी वेठा हुआ असा चंगा मुड़स उन्होंने तो मन असो कोपरेट न दिनों
जैसे असा उन्होंने सवाल क्यों पाया तो उन्होंने असा खामोश कर चुपड़ी कर विहारे छो तो इन लिए असं चाहते हैं शागिर्द यूनियन बहाल थे घुर्जे जी शागिर्द पा मसला हल कर सन इतने वनों का कें ऑफिसर दे वनों का वो असा मिले नो चवन पर्ची लिखी जो पर्ची लिखने का पर्ची फाटी पे जे अगर इतने स्टूडेंट यूनियन होंगी तो मसला असा मसला उन्होंने खड़ी वादे उन्होंने कुछ अड़ा मूल रखल हों के असा केस वसी तीन पहुंचाइंदा शागिर्द यूनियन के पाबंदी का अगो मुल्क के हर तलीमी इदारे में शागिर्द यूनियन जो होजन लाजमी जुज करार दिनल हो जैमें हर यूनिवर्सिटी में शागिर्द यूनियन लाइ प्लेटफॉर्म हो जै तहत नए साल जो दाखिलाओं थियण बद एक साल ला शागिर्द संगत जो चूडू थी जैमें यूनियन के सदर नायब सदर सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी और खजानची के उहदन से चूड थी हुई और हर क्लास में एक नुमाइंदो होशियार शागिर्दन मुश्तमिल 150 काउंसलर चूंडिया वा हुआ उन समूर शागिर्दन यूनियन के बेहतरी और रहनुमाई ला यूनिवर्सिटी इंतजामिया तरफा एक उस्ताद के भी मुकर्र वो हो एक तलीमी इदारे अंदर उन शागिर्द यूनियन के हलण ला एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर की चूंड भी कई वी हुई इन शागिर्द यूनियन के नतीजे में ही सिंध तोड़े सजे मुल्क में यूसुफ लगारी रसूबश पली के जाम साकी जावेद हाशमी फखर इस्लाम इकबाल तरीन इमदाद चांदे दोदे महरी गुलमन जखरानी जहांगीर बदर शहीद नजीर अब्बासी हुसैन हकानी लियाकत बलोच अल्ताफ हुसैन खुर्शीद शाह का सवाए बया केतरा ही नाले वा शागिर्द अगवाण पैदा कया जे अगत हली मुल्क की सियासत में पिण नामयारा थिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी 2008 में वजीर अजम चूंजण का पोए पर खिताब दौरान मुल्क अंदर शागिर्द यूनियन बहाल कर चूडन कराने जो ऐलान किया हो पर वजीर अजम थियण बद यूसुफ रजा गिलानी का इो वायदो भी बेन वायदन जिसरी पो सिंधी यूनिवर्सिटी के मीरपुर खास कैंपस के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इमदाद इस्माइली जो शागिर्द यूनियन बाबत चवण है तो असा के शागिर्द यूनियन बाबत को भी एतराज़ ना है जर हुकूमत शागिर्द यूनियन के पूरे मुल्क में बहाल करे थी तो वह निहायत सुठो अमल है शागिर्द यूनियन के असा को एतराज को मतलब गवर्नमेंट स्टेट चाहे थी तो शागिर्द यूनियन जो सभी इदार में पाकिस्तान में हुन घुर्जे तो वो असा भी चाहिंदासीं बेशक हुन घुर्जे जेकर उन्होंने या आहे मतलब इरादो आहे जी अगे भी चयो तो असा जो हाने पाबंदी खत्म कंदासूं पर पो वरी उन्हें अमल कोन थियो हाने भी पाबंदी गवर्नमेंट खत्म करे थी असा को एतराज कोने वी विल वेलकम शागिर्द यूनियन सिंध यूनिवर्सिटी उस्ताद अफगान सूटा के अगूणे सदर डॉक्टर अजहर शाह जो शागिर्द यूनियन बाबत चवण है तो सिंध यूनिवर्सिटी में शागिर्द यूनियन से का पाबंदी ना है जैं डिक्टेटर तरफा का पाबंदी हई हुई तो उनको सिंध यूनिवर्सिटी इंतजामिया वट को भी हुक्मनामो मौजूद ना है वक्त जरूरत इन गाल जी आए तो शागिर्द पान भी कोशिशू वन सभी यूनिवर्सिटीज के एक्ट्स में रूल्स में असें कें भी यूनिवर्सिटी के कानून में का भी अड़ी शे को मिले तो स्टूडेंट यूनियन से बेन है यो मथा का ऑर्डर्स थिया उन टाइम ते मार्शल लॉ की गवर्नमेंट में यो शे इम्प्लीमेंट थी वही मानुन के मना के वो तो हाँ इलेक्शन न थी थी वो शे रह वही हाँ उनके रिवाइव करो असंके कानूनी दर का रेस्ट्रिक्शन को सिर्फ उनके रिवाइव करो है उन स्टूडेंट्स इफर्ट वन अस टीचर्स पूरी सपोर्ट क्यों असि डिमांड रही है तो असा खबर है तहर मुल्क यूनिवर्सिटीज में ऐसो कि शागिर्द यूनियन पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिव कम कर एडमिनिस्ट्रेशन के उनके गाइड करो है शागिर्दन जहा प्रॉब्लम कड़ा इशूज आन हॉस्टल्स अकोमोडेशन जहा लाइब्रेरीज जहा इशूज कड़ा उ कन्वे कर सकता उनके हल से ही उनकी जो कंपेन होंगी स्ट्रेंथ होंगी रिप्रेजेंटेशन होंगी वह डिसीशन मेकिंग में उनको इनपुट होंगे उन शागिर्दन की ओनरशिप होजन खबर यूनिवर्सिटीज शागिर्दन के लिए उन ही जैसे पान उन हलाइंदा उनकी पानी पार्टिसिपेशन होंगी जो डिसीशन थियन पॉलिसीज ठहन थी तो उनके पान रिस्पॉन्सिबिलिटी फील इदारा इंप्रूव कंदा सिंध यूनिवर्सिटी के सिंधी शूबे के उस्ताद इसाक समय जो चवण है शागिर्द तलीम इदार में अक्सरियत में होंदा उन्होंने मस्बत सरगर्मियों में शामिल न करदार समाज ला मनफी सोचन था उन जरूरी है तो शागिर्द यूनियन से विधल पाबंदी खत्म कर शागिर्दन के जदीद इल्मन तरफ मायल कर समाज दोस्त बनाए वे बुनियादी शागिर्द हुआ या असल शागिर्द हुआ जो शयन के बारे में सोचे तो के नतीजन से पहुंचे तो ओपिनियन रखे तो समाज के बारे में पैं समाज उन सभी रुखन पहलुन के ओन करे तो
असा चाहूं था उन शागिर्द जो ओपिनियन या उन जो नुक्ते नजर आ वो सोसाइटी तीन पहुंचाऊँ ए अड़ी रीत समाज ए शागिर्द के विच में एकड़ो नई लिंक एकड़ो नो लागापो जो है वो दरियाफ्त क्यों शागिर्द यूनियन एकड़ो पुरानो मुतालबो रो मुल्क के सभी तरक्की पसंद रोशन ख्याल एक्टिविस्टन जो शागिर्दन जो समझा तो शागिर्द यूनियन बहाल थे थी तो असा तमाम घने मनफी पॉलिटिकल एक्टिविज्म का बची पवंदी असो शागिर्द सही माना में परफॉर्म कर अहल बनी सके मुल्क के समूरन सरकारी गैर सरकारी आला तलीमी इदार अंदर उस्ताद आफिसर मुलाजमन जो तंजीमू बायदगी से कम कर रही पर उ इदारा जे शागिर्दन ला ठहन था उन इदार अंदर शागिर्दन के पैं हकन लाए गाल करण तोड़े पैं तंजीम साजी कर शागिर्द यूनियन से साल पाबंदी लगल है वक्त की जरूरत है तो मुस्तकबिल जहा सुा सियासतदान अगवाण पैदा कर सजे मुल्क में शागिर्द यूनियन से विधल पाबंदी खत्म कर शागिर्दन के पंजा रहनुमाई वारा काबिलियत जहा जोहर दिखारण मंझराण जो मौको दिनो वे। सक्कर शहर के दिल में मेन मिनारा रोड ते डॉल्फिन टावर एंड शॉपिंग सेंटर छियन कमरन जा कुशादा अपार्टमेंट्स बिन कुशादा फ्लोर ते फैलियल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड शॉपिंग सेंटर डॉल्फिन टावर एंड शॉपिंग सेंटर बुकिंग आई तफसील लाए मार्क वन मार्केटिंग नेटवर्क। हादसे वरी सिंध के सुतल सरकार के कन से जू के चोरण की कोशिश की है तो इन डिस में के असरायता कदम खया वन मुसाफिर गाड़ियों में गैस के बमन जड़न सिलेंडर के फाटन जहा वाकया उन कर भी घना थियन था जो मुसाफिर गाड़ियों खास कर वेनुन के मालिकन के रुगो कमाई से दिलचस्पी हुए थी और गाड़ियों की फिटनेस जो ख्याल ना रखन उनके इन गाल से दिलचस्पी न होंगी है आया गाड़ियों में फिट थियल सिलेंडर दुरुस्त तबई उम्र विनायत न वेठा वेनुन समेत मुसाफिर गाड़ियों जहा मालिक गाड़ियों जहा किराया डीजल के अघ मुताबिक उगाड़ींदा गाड़ियों में इस्तेमाल वरी सीएनजी कंदा वेनुन समेत कें भी मुसाफिर गाड़ी से नजर रखने लाए सिंध में को भी अड़ो सरकारी इदारो ना है जैका उन बाबत का पुछा गाछा कर सकजे तो गाड़ियों फिटनेस मुताबिक हलन थियं या उन में सीटन मुताबिक मुसाफिर खया वन था या उन गाड़ियों जहा मुकर कल किराया उसूलन मूजिब सरकारी कानून मूजिब दुरुस्त सिंध सरकार जो ट्रांसपोर्ट खातो तण सिंध सरकार में एक घोस्ट खातो है जो कदें भी मानू के किथे भी नजर न इंदो सिंध के रस्तन से मुसाफिर के खी हलंदड़ उन मौत के सौदागर सवारियों से केर भी नजर रखण केर भी उन्हें चकासण वो ना है आवाम के थोड़ी घनी उम्मीद कुछ ढी अग मोटरवे में पैदा थी हुई पर हाने मोटरवे भी लगे तो मुल्की करप्शन के रंग में रंग जी वो है कदें भी किथे भी मोटरवे पुलिस के अहलकार कें वेन के या कें मुसाफिर गाड़ी के बिहारे इो चेक न किया है तो उन गाड़ी में मुसाफिर घना वेठल उ सीटों के कानून मुताबिक या ना पर मतलब इो है आवाम हाँ हर रोज अखबारों वेही पढ़े या टीवियों से खबरों बुधी इन गाल जो इंतजार करे ताजु केतरा हादसा थिया उन हादसन में केतरा मानू मौत के मुंह में व्या मरी वेलन या जख्मी थियलन में उन्हें पंजे दोस्तन अजीजन जो अंगु केतरो आहे जी छोरींदड़ हादसो हाव डकाए चुका मान के घर में मातम रोज पिटको लगो पाया सिंध गवर्नमेंट हाँ शायद रोज पिटकन का कें भी किस्मत का आरी थी चुकी हर एहसास का छोजो एकड़ो हादसो थोड़ी सखर वे हादसे के रहूं खैरपुर वे हादसे के रहूं शिकारपुर वे हादसे के रहूं जे इतने मलीर में थो या इन वे हादसे के रहूं या दौलतपुर वे हादसे के रहूं कड़न कड़न हादसों के रहूं असा जे उन्हों बार खसजी वह माओ के घर में मातम लगल आने मल तुम कंपनसेशन भी न सिर्फ गाल ही है
असा यो मुल्तापल थ रिजाइन कर ट्रांसपोर्ट वो मिनिस्टर रिजाइन करे जने पंज साल पोया भी वो कुछ न करे सकया ट्रांसपोर्ट में कें भी हवाले से उन्हें रिलीफ न आने सकया कोई अड़ी कारकर्दगी न डेखारे सकया न सीएनजी सिलेंडर के लिए भला करारदादू पास करने जो केड़ो फायदो आ असा केड़ी करारदादू पास कयो से सिलेंडर खत्म कियो सिलेंडर सिस्टम खत्म कियो यो बम आ यो हलंदर फिरंदर बम्बा जो तुम गाड़ियों में रखो था वही जानू जो जया थी वन उन सिर्फ मगफिरतू और दुआन इन कर हाँ पा रिजाइन कर घर में इन हुकूमत को हल्दी ये तो बढ़ते जा रहे हैं इस तरह के जो हादसात हैं और ये पहले भी हो चुका है ये कोई अभी नहीं हुआ है ये पहले भी हो चुका है और जब तक हम इसको नहीं रोकेंगे किसी को सजा नहीं देंगे इसके ऊपर तो ये बार बार होंगे और जिन जो लोग इनकी दुकानें खोल के बैठे हैं सबसे पहले उनको पकड़ें और देखें ये और सिलेंडर्स कहाँ कहाँ हैं स्कूलों के बसों में भी लगाए हुए हैं बच्चों की बसों में लगाए हुए हैं ये सारे सिलेंडर्स जो हैं ये सारे बैन होने चाहिए बिल्कुल बैन होने चाहिए और जिसके भी हैं चाहे उसके पीछे कोई भी हो उनको सामने लेकर आए हमारे मुआशरे में बेसी का आलम यह है कि कोई इस पे एक्शन लेने वाला नहीं है कोई हमने रेजोल्यूशन पास किया है असेंबली में लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ कि ये जो सिलेंडर आए दिन ये चलते फिरते बम है और आवाम को इससे बहुत ज्यादा मसाइल हैं तकलीफ है इसको रिजोल्व होना चाहिए एक प्रोटेक्शन एजेंसी है जिसके तहत इन सिलेंडर्स का चेकअप होता है और उसकी मेंटेनेंस होती है लेकिन हमारे यहाँ पर इस तरह की कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इसको करना चाहिए इसको देखना चाहिए ये ऐसे वाकियात की रोकथाम होनी चाहिए ये जेके गाड़ियों हलन पियों उन्हें जाहिर है उनकी वेरीफाई थन खपे उन जो क्यों वागू खोले छींदा जो तो समझा तो अड़ा हादसा रोज जो रहा इन मेहनत करने की जरूरत है कंट्रोल करने की जरूरत है ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उनमें रेजोल्यूशन जैसे आंदो अस अर्ज किया ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब पा डे उनमें गैस की उगराज की उनमें रिक्वायरमेंट आ उनमें गैस कड़ी कंपनियां रखना एक बिन का ना लगाना पर वेन वा जैसे किराए के कर छह अठ अठ गैस हणंदा गवर्नमेंट से पॉलिसी ठल को वही जाती है दुख जो मुकाम है ये जानू जन इंसान जो तमाम दुख में बराबर है शरीक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके आवाज करनी चाहिए वफाकी गवर्नमेंट इस पर एक्शन दे क्योंकि वो पेट्रोल की कीमत आप सीएनजी कीमत में कोई ज्यादा फर्क नहीं है वो आपको ही पता है ये जीतता जागता बम लेके जो घूमते हैं और इंसानी जाने इसमें जाया हो रहे हैं इसको खत्म करना चाहिए इस पर पाबंदी लगानी चाहिए ये ट्रांसपोर्टर्स की भी जिम्मेदारी है और जब इस तरह की सीएनजी किट्स को जो एक पीरियड होता है उसके बाद चेंज करना चाहिए और ये जो है स्ट्रिक्टली चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर कि वो अपनी जो है गाड़ी की मेंटेनेंस और खासतौर पर सीएनजी किट की जो है मेंटेनेंस को इंश्योर करें और ताकि इस तरह से लोगों की जाने जो है वो जाया ना हो हुकूमत की जिम्मेदारी है छाजे करे तो ये अड़ा वाकया हमेशा थींदा जन छो तो इन करे तो ये पुराना सिलेंडर रखा बसों में ये चीज न विजन तो बेहतर है असा ये चवंदा गवर्नमेंट के फौरी इन एक्शन खो वे छो तो उनमें ट्रांसपोर्ट की मतलब आवाम चढ़े थी सफर करे थी तो इनमें जो वद का वद कोशिश ये चवंदस मेहरबानी करे तो जो सो ये सिलेंडर खत्म कया वन अदा यो ढो अनफॉर्चुनेट थो है हादसों सागी नोयत जो है सिलेंडर फटो आ ये एत जानू जया थन मुझे ख्याल में इनो ही हल है तो यहाँ सिलेंडर जन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में न होजन खपन इन बैन होजन खपे डीजल ते पेट्रोल ते जी पुराने जमाने में हलंद गाड़ी उ हलन खपन ये तमाम खतरनाक है इनमें सेफ्टी सिक्योरिटी जो सही जो इंतजाम रखो को वे पो तो इन फेडरल गवर्नमेंट के भी सिंध गवर्नमेंट के भी सीरियसली सोचे इन को अमल कर बिल्कुल पाबंदी लगन खपे हाँ पेट्रोल डीजल जड़े तरीके से सस्तो थी बराबरी वो हिसाब है पर इन समझा तो चंद गवर्नमेंट के एक्शन करण खपे जो ट्रांसपोर्ट जो वजीर उनके एक्शन वठन खपे यो बिल बाकायदे करारदार की सूरत में अचान खपे असेंबली के अंदर यकीन अस आनी तो ये कम से कम ये जी शह बम जो खी या छत से रखल हों या हेठ रखल हों बम कम से कम न हो जैसे तक किराया भी जी वठन पाया उ साग्या ही पेट्रोल या डीजल की मद के हिसाब से वठन पाया तो उत सीएनजी होन न खपे इत बाकत गवर्नमेंट के कॉन्शियस रहने खपे छो तो जड़े तरीके से तुम हाँ पान ो तो शहर के अंदर या गोठन के अंदर भी गैस की लोड शेडिंग शुरू थी वही है तो उनकी वजह सिर्फ यह है तो सीएनजी जो पंप है उन्होंने रोको है सुपर हाईवे जो हादसों उन अग 2011 में थियल जिले खैरपुर के सेठार जहा शहर वो हादसों सिंध में थियल बया अणगणिया हादसा इन गाल की शाहिदी दियन था
तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल थींदड़ गैस सिलेंडर बमन की शिकिल इख्तियार कर फाटी रहा है उसे बेगुनाह मानन मुसाफिर की मौत जो सबब बनी रहा है। अड़ी सूरत हाल में सिंध सरकार के घुर्जे तो वह सिंध में हलंदड़ मौत के आम थियल व्यवहार के रोकने ला कोशिश करे घट में घट मुसाफिर गाड़ियों में सीएनजी के इस्तेमाल से पाबंदी लगाए तो जी गैस से हलंदड़ गाड़ियों के फाटंदड़ सिलेंडर बमन की तबाही का रोके आम मानन के अजाए मौत का बचाए सकें।